वाइज क्विजेस YouTube की पढ़ाई के साथ साथ अब होगी जी स्क्वायर क्विजेस एवरी डे 7:30 PM ऑन Unacademy लर्निंग ऐप दैट टू फ्री. यस गाइज यू हर्ड मी करेक्ट, एब्सोल्युटली फ्री इन स्पेशल क्लासेस. बस आपको लिंक को ज्वाइन करना है जो दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हर दिन 7:30 एक चैप्टर बायोलॉजी का, अब क्योंकि पढ़ाई होगी सुपर फास्ट. सो गाइज लेट्स क्रैक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर अमेजिंग चैनल Unacademy नीट टॉपर्स विच ब्रिंग्स यू विद द बेस्ट क्वालिटी एंड कंटेंट एंड द बेस्ट एजुकेटर्स. राइट गाइज, सो लेट्स क्रैक इट. गुड आफ्टरनून बच्चों, शगुन हो गया. मैम ने बोलना शुरू कर दिया था, मैम ने श्रीमान नहीं किया यार. बच्चों दिस हैपेंस विद योर जी स्क्वायर ओनली, ये सिर्फ आपकी जी स्क्वायर के साथ ही हो सकता है, ट्रस्ट मी. बच्चों यहाँ पे मैं बोल रही थी देन आई रियलाइज की बच्चे गुड आफ्टरनून तो लिख रहे बट उसके बाद कुछ नहीं लिख रहे, तो मुझे लगा फिर कुछ शगुन किया है जी स्क्वायर तूने, फिर कुछ किया है. यस बच्चों गुड आफ्टरनून वेलकम टू द जी स्क्वायर सेशन ऑन Unacademy टॉपर चैनल, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड बायोलॉजी टीचर ऑन यूट्यूब एंड दैट्स बिकॉज ऑफ माय किड्स. ठीक है, तो आज हम करने वाले एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 5, ह्यूमन एवोल्यूशन. तो ठीक है, आज हम क्या करने वाले, पहले हम ऐसे थे, आज हम ऐसे हो गए, यहां से जाने के बाद हम कैसे होंगे ये हम प्रेडिक्ट जरूर करेंगे, है ना बच्चों. तो ह्यूमन एवोल्यूशन करते हैं, छोटा सा टॉपिक है बच्चों, आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. प्लीज सेंड मी योर नोट्स आफ्टर दिस सेशन बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू ऑल. ठीक है, काम पे टेलीग्राम ग्रुप पे. ठीक है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कर दू क्या, मजा आ जाएगा तुम्हें, कर दू क्या, एक बार बता दिया जोश से, एक बार तो कह दो कि हाँ मैम वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर विच इज गोइंग टू स्टार्ट इन संकल्प सीरीज, यानी कल से. तो बेटा कल संकल्प सीरीज भी होगी. ठीक है, संकल्प सीरीज कल 12:30 पे होगी और कल हम एक शानदार जानदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं हमारे बॉटनी का, दैट इज फोटोसिंथेसिस. तो कल हम फोटोसिंथेसिस करने वाले बच्चों, आई वुड रिक्वेस्ट कि यू विल गेट द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट माइंड मैप्स विद जी स्क्वायर. तो कल का ये सेशन का रिमाइंडर पहले ही लगा लेना. ठीक है, यस आ जाओ ह्यूमन एवोल्यूशन पे आते हैं. अब उसके बाद बच्चों लिटिल इंट्रोडक्शन वर्ड जी स्क्वायर, मेरे फोटो नहीं लगाते कभी भी, बहुत दुख होता है बेटा. सबने कॉम्बैट की आर्ट देखी या नहीं देखी, पहले बताओ कॉम्बैट की आर्ट देखी या नहीं देखी. जिसने नहीं देखी वो देख ले, क्योंकि जी स्क्वायर का शूट हुआ था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था नाम खाड आ चुका है कॉम्बैट का. और मैं चाहती हूँ Unacademy नीट टॉपर के बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले. आई वॉन्ट माई ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन कॉम्बैट नीट यूजी चैलेंज, बढ़ चढ़ के हिस्सा. ठीक है, तो बीएससी मैम ने कहा से किया, रामजस कॉलेज से. एमएससी मैम ने किया बीएचयू से, मोर देन 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 4. बट आई एम प्रीटी श्योर के इस साल हमारे चैनल से रिजल्ट पक्का आएगा जी पक्का आएगा. ठीक है, एंड दी स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय जूही मैम. तो एक लाइक तो बनता बच्चों पार्टी किसके लिए, जूही मैम के लिए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब पे तो रुकना ही नहीं है, तहस नहस कर दीजिए. यस बच्चों, ठीक है, आई तुमने मैम की हो चैनल पे आई थी कल. यस Unacademy नीट टॉपर टेलीग्राम चैनल बच्चों, इसको ज्वाइन कर लो जल्दी से. यहाँ पे मैम अभी सेशन के बाद आपको देंगी हैंड रिटन नोट्स. क्या मिलेंगे बच्चों आपको, हैंड रिटन नोट्स. तो ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, तो इन सब के लिए आपको ज्वाइन करना होगा Unacademy नीट टॉपर का चैनल. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके बाद आते हैं जी स्क्वायर के बैच के बाद. बच्चों जी स्क्वायर का बैच, जो बच्चे डिस्ट्रैक्शन किससे बड़े ही परेशान है उनके लिए आया रामबाण, जिसे हम कहते हैं जी स्क्वायर का बैच. ठीक है, तो जी स्क्वायर इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एंड अ फ्रेश बैच फ्रॉम 3rd of December, जिसमें मैम पढ़ाएगी जेनेटिक्स एंड बायो टेक्नोलॉजी. ठीक है, इसमें रेगुलर डीपीपीज भी मिलेंगे, डिटेल थ्योरी होगी, उसके साथ क्विजेस भी होंगे और डाउट सेशंस भी होंगे. डाउट सेशन भी हम जरूर करेंगे. तो ये बच्चों हमारा बैच जी स्क्वायर का, जहां पे आपको फिजिक्स जी सर से आप पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री आने वाले टाइम में आपको वीटी सर से भी जरूर जरूर मिलेगी. ठीक है, नाउ Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल पे जाना है. फिर बच्चा पार्टी क्या करेगी, प्लस पे क्लिक करेगी नीट यूजी एंड गेट सब्सक्रिप्शन. जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आप महीने चूज कर सकते हैं कितने महीने का सब्सक्रिप्शन बच्चा पार्टी को चाहिए. ठीक है, GNEET रेफरल कोड लगाएंगे टू गेट योर 10% ऑफ.
तो यहाँ पे 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। द रेफरल कोड, हाय मेरे कितने अच्छे बच्चे हैं, लिख भी रहे चैट बॉक्स में, द रेफरल कोड इज GA नीट, ठीक है। और आज 9:15 आएंगे या नहीं आएंगे ये भी बता दो चैट बॉक्स में। 9:15 मैम का मोटिवेशन आ रहा है जहां पर बच्चे करते हैं खुल के बात किसे अपनी जी स्क्वायर के साथ। फिर आते बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, एक महा अमेजिंग सब्सक्रिप्शन है हमारे अन अकेडमी का, जिसे हम कहते हैं जहां टीचर बना दोस्त, क्योंकि आपको मिलता है पर्सनल कोच। तो यहाँ पे मिलेगा आपको पर्सनल कोच, ठीक है, यस पर्सनल कोच भी मिलेगा बच्चों। रेफरल कोड आपने GA नीट यूज करना है, 24 मंथ्स का है 90,000 का, 12 मंथ्स का 58,500 का, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टडी प्लानर, टेस्ट प्लानर, पर्सनलाइज गाइडेंस, पर्सनल कोच सब मिलेगा, ठीक है। चले अब शुरू करें, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, पहले पानी पी ले थोड़ा सा, बहुत बोल लिया बेटा, आज गला खराब हो गया, आज गला खराब हो गया, यस क्लासेस बहुत हो रही है तो आज थोड़ा सा गला सेंसिटिव हो गया है। क्या हो गया बच्चों, सेंसिटिव हो गया है, ठीक है, यस। आज बच्चे बहुत बंक मार के बैठे हैं, कहाँ है हमारे बंकर्स, कहाँ है हमारे बंकर्स, मास बंक करोगे हैं, पढ़ाई ऐसे करोगे, ह्यूमन एवोल्यूशन को इज्जत नहीं दोगे, हर साल एक क्वेश्चन आता है ह्यूमन एवोल्यूशन से, यस। अपने ही एवोल्यूशन को जिसने ना दी इज्जत, उसे कैसे मिलेंगे नीट के नंबर, यस। आज मेरे बंकर्स, बेटा जितने भी बंकर्स हैं ना उनको बता देना कि मैम ने पकड़ लिया तुम्हें, तुमने किया है बंक, मैम अब तुम्हारी करेगी शिकायत, ठीक है। तो आज बेटा आज हम ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू करेंगे। ह्यूमन एवोल्यूशन रेफर्स टू द एवोल्यूशनरी प्रोसेस लीडिंग अप टू द अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। आखिर हम कहां से आए, सवाल है बेटा, हम कहां से आए, हमारे पूर्वज कहां से आए, हमारे पूर्वज कैसे थे, हम कैसे हैं, यही सब तो सवाल के जवाब मिलेंगे कहां पे हमें, ह्यूमन एवोल्यूशन में, कहां पे मिलेंगे, ह्यूमन एवोल्यूशन में, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स मेनी साइंटिफिक डिसिप्लिन। ह्यूमन एवोल्यूशन में सिर्फ हम ह्यूमन के एवोल्यूशन के साथ साथ और क्या पढ़ रहे बच्चों, हम पढ़ रहे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बोलिए, आधे बच्चे बोल नहीं पाएंगे, हम बता रहे हैं तुमको, एंथ्रोपोलॉजी, बोलिए बोलिए स्टाइल में बोलिए बच्चों, यस बिल्कुल। देन प्राइमेटोलॉजी, हो यानी कि प्राइमेट्स की स्टडी भी हम करने वाले हैं साथ के साथ, आर्कियोलॉजी पुराने टाइम की, ठीक है, एंड लिंग्विस्टिक्स यानी कि कैसे हमने बोलना सीखा, कैसे हमने बोलना सीखा, यस। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण कैसा था, भ्रूण के समय कैसे थे हम। देन वी हैव जेनेटिक्स, ये तो हम पढ़ के आए हैं, और बेटे ये सब क्या है, क्या ये सब, ये सब क्या है, खोपड़िया, ठीक है, ये सब क्या है, खोपड़िया बच्चों, पहले मंकी डायनासोर के, ओ ये जूही मैम ने क्या लिखा बच्चों, ये जूही मैम ने क्या लिखा, मुझे ये देखिए यार, बढ़िया सी आ गई, ये जूही मैम ने क्या लिखा है, मंकी पर डायनासोर केम विद ह्यूमन क्वारंटीन, यस बच्चों यहाँ पे बहुत तगड़ा जोक मारा है, देखो यार जूही मैम ने यहाँ पे जोक तगड़ा लगाया है, कोरोना चल रहा बेटा, क्वारंटीन हो गया, और देखो तोन देख रहे हो उस बंदे की, तोन देखो उसकी, ये बहुत बनी है बच्चों, यहाँ पे अभी तक सब पतले चल रहे थे, एक डायनासोर के बीच में, और तीसरी चीज क्वारंटीन, उसका साइज देख लो बेटा, साइज क्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इवॉल्व हो गए हम, अपने साइज में इवॉल्व हो गए बच्चों, काफी अच्छी तंदुरुस्ती लॉकडाउन में मिली है तुम सबको, ऐसा लग रहा है मुझे, यस। आजा बेटा आज, ओहो स्टाइल में चलते हो बेटा, स्टाइल में चलते हो, ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टाइल में सीखेंगे, ठीक है, स्वैग से करेंगे मैन का स्वागत, टरन टरन, है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे रामापिथिकस, उससे पहले हमको पढ़ना है ड्रायोपिथिकस। तो एनसीईआरटी का बच्चों, सबसे पहले ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पिथिकैंथ्रोपस, सिनैंथ्रोपस, पेकिंग मैन, हेडलबर्ग मैन, नियांड्रथल मैन, क्रोमैग्नॉन मैन, ऐसा लग रहा है कि मैं रेस्टोरेंट में पूछूं, या ना ऐसे आलू भाजी, पनीर भाजी, अंडा भाजी, है ना, ऐसे ऐसे वाला फीलिंग आ रहा था बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें ये सब एक एक करके पढ़ने, तो क्या करें बच्चों, शुरू करें, तो एक बार जोश दिखा दो चैट बॉक्स में, जल्दी से दिखा दो, मैम जिफ में जेंडर चेंज हो रहा है ऐसा, अच्छा काफी एडवांस चल रही है जिफ, मैं भी देख लू, हाँ बेटा ये तो हो गया, ये तो हो गया बेटा, आज काफी एडवांस, चलो आ बेटा आ जाओ, ये हमारे कौन है, स्पैमर्स, आओ बेटा स्पैमर्स के बारे में आज सीखते हैं, ठीक है। तो पहला हम करेंगे ड्रायोपिथिकस के बारे में, एनसीईआरटी से बिल्कुल निकाले, एक एक शब्द, एक एक चीज बच्चों इसको आराम से समझो, ठीक है, यस।
तो यहाँ पे हम स्पैमर्स पे आते हैं। आ जाओ बेटा, जो हमारे स्पैमर्स है काफी सुंदर दिखते हैं। पहले तो ये देखिए, ये हमारे सारे स्पैमर्स हैं, आराम से बैठे हुए हैं, बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या लिखे कि हम क्लास की शांति भंग कर दें। ठीक है, तो अगर हम देखें इनके बारे में, तो ये ओलिगोसीन पीरियड और अर्ली मियोसीन पीरियड के निवासी हैं। ठीक है, यानी कि ये जो स्पैमर्स हैं, ये किस टाइम के हैं बच्चों? ओलिगोसीन या मियोसीन। ठीक है, काफी पुरानी सोच के हैं। ठीक है, दूसरी चीज, हैव आर्म्स एंड लेग्स ऑफ सेम लेंथ, यानी इनके पैर और इनके हाथ की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है। तो पहली चीज ये लिखेंगे, द लेंथ ऑफ आर्म legs are same। तो आप देख सकते हैं जो हमारे Dryopithecus है, spammers है, उनके जो हाथ है और जो उनके पैर है उनका लेंथ क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो they have a semi-erect posture without brow ridges। तो यानी कि सेमी इरेक्ट, ऐसे झुक के चलते हैं। कैसे चलते हैं बच्चों? ऐसे झुक के चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद देखें, it was arboreal, यानी कि पेड़ों पे रहते और वहां पे ऐसे खाते है, खच 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 खच। ठीक है, yes, knuckle walkers, यानी कि जो हमारे स्पैमर्स है वो ऐसे चलते, नकल्स पे चलते, टक 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 टक, ये होते नकल्स, ये होते नकल्स। ठीक है, वापस चलते पिछले पेज पे। ओके, तो ये हो गए बच्चों नकल्स, तो ये इस पे चलते हैं ऐसे ऐसे करके, टक 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 टक। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स, यानी कि जो हमारे स्पैमर्स है वो अभी भी बीच में अटके हुए, किसके? मैन और एप्स के बीच में अटके हुए हैं। तो मैन एंड एप्स के बीच में जो अटके हुए हैं वो हमारे Dryopithecus, क्योंकि उनकी सोच पुरानी है। और किस पे चलते हैं बच्चों? दे आर नकल वॉकर्स, दे आर नकल वॉकर्स। ठीक है, आया सबने लिखा ही? सब लिख रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं। तो पहले हेडिंग लिखेंगे Dryopithecus, उसके बाद में दो पॉइंट्स लिखेंगे, एंड दे आर बेसिकली इंटरमीडिएट intermediate stages between apes and men, that's why they are called as common ancestors of apes and men। बेटा monkey और ape same होता है, बताना जरा कपिल देव जी। yes जोशिका, ape और monkey same होता है? बताओ बताओ, आज बताओ chat box में, ऐसे सवाल पूछूंगी मैं तुमसे, बताओ बताओ। जितने हमारे spammers हैं उन्हें तो जरूर पता होगा, है ना? बताओ बताओ बेटा, क्या एप और मंकी सेम होता है? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। ऐसा मंकी के पास क्या जो एप के पास नहीं है? बताओ बेटा, ऐसा मंकी के पास क्या है जो एप के पास नहीं है? दैट इज पूंछ। ठीक है, तो जो टेल है वो मंकी के पास है, जो एप है उसके पास टेल नहीं होती है। सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एप्स एंड मंकीज। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, Dryopithecus, आ जाओ आ जाओ बेटा Dryopithecus पे आ जाए। ये हमारे Dryopithecus, देखिए पहले, खूबसूरत लग रहे हैं? खूबसूरत तो लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए बच्चों चैट बॉक्स में लिखिए खूबसूरत। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े इंसान जैसे लग रहे हैं, बंदर जैसे दिख रहे हैं, बताइए चैट बॉक्स में किस किस तरह दिख रहे हैं? यस बताइए बताइए किस की तरह दिख रहे हैं बच्चों? ये थोड़े थोड़े इंसान जैसे दिख रहे हैं। तो यानी कि Dryopithecus वर मोर क्लोज टू ह्यूमंस, दे वर मोर क्लोज टू मैन। तो अगर इनकी विशेषताएं देखें तो लिव्ड इन लेट मियोसीन अर्ली प्लियोसीन, फॉसिल कंटेन ओनली जॉज एंड डेंटेशन। तो जो इनके हमें कंकाल मिले, जो फॉसिल मिले, उसमें हमें केवल क्या मिला? इनका जबड़ा और इनके दांत। करण जौहर लिख रहे, कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया एंड अफ्रीका, डायरेक्ट एंसेस्टर टू अ मैन। देखो ये वाली चीज हमने फोटो देख के पता लगा ली थी कि थोड़े से इंसान जैसे दिख रहे हैं ना, थोड़े से इंसान जैसे दिख रहे हैं। अगर बेटा तुमने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि तू Dryopithecus है, आई एम टेलिंग यू मैं तुम्हें पिटाई कर दूंगी। ऐसे नहीं करना, Dryopithecus को पूरी इज्जत देंगे। ठीक है, दोस्त को कुछ भी बुलाइए, Dryopithecus की इज्जत पे कुछ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पे इट इज अ डायरेक्ट एंसेस्टर टू मैन। ठीक है, अब आते नेक्स्ट, वॉक डायरेक्ट ऑन इट्स हाइंड फीट, तो यानी अब ये पैर पे चलने शुरू हो गए हैं, बाइपेडल हो गए हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट इरेक्ट, ऑलमोस्ट नॉट फुली, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, यस, देन
had small canines and low crown molars capped with thick layer of enamel, ate hard nuts and seeds. बेटा nuts and seeds ये खाते थे. आगे बेटा आ जाओ बेटा आ जाओ. इतने प्यारे प्यारे शब्द तूने लिख दिए. आ जा बेटा रुक रुक तू रुक आज. Yes. तो ये तो हो गया बेटा. This is called Ramapithecus. ठीक है. अब आते हैं next पे. Let's come to the next one. Australopithecus. क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में घूमते थे बच्चों? Yes. नाम से ही देखकर बताएंगे क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है तो जरूरी थोड़ी ऑस्ट्रेलिया में घूमता था. यस बच्चों तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है हमारे. अब इनके बारे में बहुत सारी चीजें हमें एनसीईआरटी ने लिख के दिया. चलो लेट्स सी. यस लेट्स सी बच्चों ऑस्ट्रेलोपिथेकस. सबसे पहले देख रहे हो चाल में एटीट्यूड. देख रहे हो तुम बंदे की चाल में एटीट्यूड है. दुनिया जाए घास लेने. यस दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड बच्चों. तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में जो सबसे पहले आया वो क्या था? एटीट्यूड. जैसे इंसानों वाला एटीट्यूड आना शुरू हो चुका है बच्चों. बिल्कुल. फिर अगर हम यहाँ पे बात करें इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है दे आर कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक Between man and ape. ठीक है बच्चों? हाँ बिल्कुल. अब Australopithecus africanus पे आते हैं. ठीक है आ जाओ यहाँ पे आ जाओ. Australopithecus africanus is a common fossil. तो जो सबसे ज्यादा हमें common fossil मिला है Australopithecus का वो कौन सा है? africanus. Erect posture with a 4 feet height. देख रहे हो फोटो से पता लग रहा है बिल्कुल erect posture है. कैसे बच्चों? erect posture है. और हाइट कितनी है? 4 फुट की. हाइट कितनी है? 4 फीट की. ठीक है रिश्ता होना. रिश्ता कराइए इसका भाई. बेटा रिश्ता कराइए. तुम लोग तो वैसे भी बहुत ही टैलेंटेड हो इसमें है ना रिश्ता कराने में. बाइपेडल लोकोमोशन यानी दो पैर से चलना सीख चुके हैं आप बिल्कुल अच्छे से. ठीक है तो बाइपेडल हो चुके हैं ये आप देख सकते हैं फोटो में. फिर उसके बाद डेंटिशन लाइक मैन यानी जो टीथ का डेंटिशन है वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा हो गया बच्चों. ठीक है उसके बाद बच्चों हैंड यूज फॉर नॉन लोकोमोटरी फंक्शन. अब जो हाथ है उसका दूसरे उपयोग. यस दूसरे काम आने शुरू हो गया हाथ में. जैसे कि पता है कैसे कैसे काम? जैसे कि खाना लेके आना. ठीक है यस गुलाब तोड़ के लाना. गुलाब देना है ना. कॉफी पे ले जाना. बिल्कुल बच्चों ये सारे काम बिल्कुल. तो यहाँ पे ये सब होने लगा. क्रेनियल कैपेसिटी इज 500 cc. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी बच्चों? 500 cc. सीसी यस यानी इतनी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी. ठीक है बिल्कुल. ब्रो रिजेस प्रोजेक्टेड ओवर आईज डिड नॉट हैव चिन. तो अभी तक इनकी चिन नहीं बनी है. अभी तक इनकी चिन नहीं बनी है. देख लो ये कॉन्टिन्यूस है. दे डोंट हैव अ चिन येट. चिन ऐसे ऐसे प्रॉपर चिन नहीं बनी अभी तक. ठीक है यस बिल्कुल बच्चों. गुलाब तोड़ के लाना क्या हो गया? बिल्कुल तोड़ के लाते हो यार तुम लोग है ना. 50 रुपए का गुलाब कौन खरीदेगा 14 फेब को? यस यहीं से ले लो. अच्छा उसको उसको भस्म करना है बेटा. ऐसे बोल दिया करो. डायरेक्ट मत बोला करो. यूज द अदर वर्ड्स. यस कर दे कर दिया कर दिया. शांत रहो बच्चों. मजे से सीखो ह्यूमन एवोल्यूशन. नेक्स्ट बच्चों नियांडरथल मैन पे आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस. नहीं नहीं पहले हैबिलस आएगा. पहले ये करेंगे बच्चों. हैबिलस आता है पहले है ना. यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी नोट्स में. तो सबसे पहले हैबिलस आएगा. 2 मिलियन के अराउंड मिलते थे बच्चों. ओके होमो हैबिलस हैंडीमैन. बेटा दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मैरी लीकी. बेटा मेरे जो गली के जो डॉग्स है ना वो ओवर एक्साइटेड हो रहा है. लग रहा है कोई आ गया जिसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं. गली में भी लग रहा है स्पैमर्स आ गए. वो भगा रहे अलग ही एक्साइटेड हो रखे हैं बिल्कुल. यस तो चलो उनको उनका काम करने देते थे. हम अपना काम यहाँ पे करते हैं. यस तो बेटा यहाँ पे देखेंगे तो 1470 विद लार्जर डोम शेप्ड स्कल हायर फोरहेड स्मॉल ब्रो रिजेस एसोसिएटेड ह्यूमन लाइक फीमर लेग बोन्स फाउंड इन द सेम लेयर. तो बेटा देखो हैंडीमैन का सीधा सीधा तुम्हें एक पॉइंट जो आएगा पहले तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी. कितनी क्रेनियल कैपेसिटी है सीधा सीधा बता दो चैट बॉक्स में. जो मेन चीज आनी है वो है क्रेनियल कैपेसिटी. कितनी क्रेनियल कैपेसिटी है बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में. यस 650 cc. कितनी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी? 650 क्रेनियल कैपेसिटी है. दूसरी चीज जो यहां से पूछी जाती है कि देवर द एक्सपर्ट इन मेकिंग टूल्स. देवर एक्सपर्ट इन मेकिंग टूल्स. तो ये टूल्स बहुत अच्छे बनाते थे. ठीक है ये भाले वाले बहुत अच्छे बनाते थे. सीधा ऐसे फेंका भाला सीधा उसे पकड़ा और सीधा उसको मारा. ठीक है भाला वाले बढ़िया बनाते थे. ठीक है यस सो दिस वाज होमो हैबिलिस.
होमो इरेक्टस। देख लो बेटा, जिम जाना शुरू कर दिया है, पहली चीज जो बच्चों को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अब ये जिम जा रहे हैं, सिक्स पैक एब्स बिल्कुल बन के आ चुकी है, सिक्स पैक एब्स बननी शुरू हो चुकी है, ठीक है। होमो इरेक्टस की बात करें तो यहाँ पे इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 900 cc। कितनी है क्रेनियल कैपेसिटी? 900 cc, ठीक है। और अगर इनकी हाइट की बात करें तो 1.5 से 1.8 मीटर इनकी हाइट होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। और होमो इरेक्टस के बारे में तीन उनके जो फॉसिल हमें मिले तो वो कौन कौन से थे बच्चों, जावा मैन, फिर थे बच्चों पेकिंग मैन, फिर थे हेडलबर्ग। ये हमको इनके फॉसिल्स मिलने शुरू हो गए। जावा कहां पे? इंडोनेशिया में, पेकिंग चाइना, एंड हेडलबर्ग इज नियर जर्मनी, ठीक है। तो यहां से हमें होमो इरेक्टस के क्या क्या मिलने शुरू हो गए, फॉसिल मिलने शुरू हो गए बेटा। यही वो लोग थे, यही वो लोग थे जिन्होंने दो पत्थर रगड़ के, वो स्टोरी सुनी तुमने, दो पत्थर रगड़े से टक 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 चिंगारी निकली और आग लग गई। यस बच्चों, और आग लग गई, वही चीज किसने किया था, होमो इरेक्टस ने। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्कवरी ऑफ फायर। तो जैसे ही इन्हें पता लगा आग भी कोई चीज होती है, फिर तो बेटा बल्ले बल्ले। यस, फिर तो नेक्स्ट लेवल का बल्ले बल्ले। अब हर चीज पका के खा रहे हैं, अब केला मिला केले को भी पका लिया, चिप्स बना लिए केले के चिप्स बना लिए, है ना, हर चीज आराम से पका के खा रहे हैं, ठीक है। पहले कच्चा मांस खाते थे, अब बिल्कुल उसको पका के खा रहे हैं, उस पर नमक इलायची डाल के खा रहे हैं, बिल्कुल बच्चों, ठीक है। यस बिल्कुल। सो दिस इज अबाउट होमो इरेक्टस। तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी अराउंड 900 सीसी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एंड ऑल्सो कॉल्ड पेकिंग और जावा मैन, ही यूज फायर। देख रहे बेटा लाइन क्या लिखी है हमारी जूही मैम ने, ही यूज फायर। यस बच्चों, अब आते हैं बच्चों नियांडरथल पे। नेक्स्ट वी हैव इन आवर रो, दैट इज नियांडरथल। अगर हम नियांडरथल्स की बात करें तो कोई मुझे बता सकता है इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? बेटा ये कौन से एजेंट है? नाम चेंज करके आ गए बेटा, बहुत तेज हो बेटा। देखो कितनी भी आईडी बनाओ तुम लोग, कितना भी हम तुम्हें हाइड यूजर करें, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दे अपनी हर आईडी से। यस, जब कर ही रहे हो यहाँ पे आए हो ढोक लगाने के लिए, तुमने सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। कोई नहीं, हम कर देंगे, हाइड कर देंगे, बट ढोक लगा दिया करो, ठीक है। यस, तो बेटा नियांडरथल्स पे आते हैं। अगर इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने 1400 सीसी दी है। कितनी दिया बच्चों? 1400 सीसी। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, तो आराम से बिल्कुल ह्यूमन जैसे लग रहे हैं, बड़े भारी टाइप्स लग रहे हैं, बिल्कुल लड़ाकू टाइप्स लग रहे हैं। तो ये लड़ाकू थे भी, देवर कैनिबलिस्टिक। यस, कैनिबलिस्टिक का मतलब क्या बच्चों? दे कैन ईट द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज। यस, और पता है फिर खाने के बाद इनमें दया भी थी। दे यूज टू बरी द डेड वंस विद फ्लावर्स, एब्सोल्युटली। तो फ्लावर्स से वो क्या करते थे? बरी करते थे डेड वंस को। तो इज्जत, बरी डेड वंस विद फ्लावर्स। तो ये भी था, मतलब कल्चर इवॉल्व हो रहा था। आपको ये देखने वाली बात है बच्चों, कल्चर इवॉल्व हो रहा था। यहाँ पे फीलिंग्स आने शुरू हो गए थे। क्या आने शुरू हो गए थे बेटा? फीलिंग्स, इमोशंस। यस, है ना। यस बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सो दे आर एडवांस प्रिमिटिव मैन, बिल्कुल सही है। स्लाइटली प्रोग्नाथस फेस, यानी यहां से ऐसे आगे निकला हुआ, चपटे की जगह आगे निकला हुआ चेहरे को प्रोग्नाथस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोग्नाथस फेस, ठीक है। फिर वॉक अपराइट, लो ब्रोज, रिसीडिंग जॉ लाइंस, लार्ज टीथ एंड डोम्ड हेड, स्किलफुल यूज ऑफ टूल्स, केव ड्वेलर्स। तो आप देख सकते हैं ये सारे फीचर्स से किसके बच्चों? नियांडरथल्स के। समझ में आ रहा है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। बेटा देखो टॉपिक बहुत छोटा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फनी बना देती हूँ। यस बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो अभी हमारा एक बच्चा बच्चों क्रोमैग्नॉन, स्लाइड नहीं बनाई मैम ने, मैम खा गई क्रोमैग्नॉन को। यस, आ जाओ बेटा, क्रोमैग्नॉन भी पढ़ लेते, मैं पढ़ा देती हूँ तुम्हें। सो लेट मी राइट द नोट्स फॉर यू क्रोमैग्नॉन के बारे में। तो सबसे पहले क्रोमैग्नॉन की अगर बात करें तो बच्चों क्रेनियल कैपेसिटी बताइए कितनी होती है इसकी? क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? हाउ मच इज द क्रेनियल कैपेसिटी? द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ क्रोमैग्नॉन एज पर एनसीईआरटी 1650 सीसी। कितनी होती है बच्चों? 1650 सीसी, इतनी उसकी क्रेनियल कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रोमैग्नॉन की बात करें तो बेटा ये क्या था? सबसे इंटेलिजेंट,
सबसे होशियार, क्योंकि इनमें दिमाग बहुत था, ठीक है, सबसे होशियार, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। क्यों इंटेलिजेंट थे? क्योंकि इन्होंने कल्चर को इवॉल्व किया, इन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आपने देखा होगा पहले पत्थरों पे ऐसे से खोद के, वैसे तो आज भी कुछ बच्चे पेड़ों पे गोद के आते अपने नाम, नहीं तुम क्रोमैग्नॉन नहीं हो, बट ठीक है, जो क्रोमैग्नॉन थे ना वो अच्छी चीजें गोदते थे, यस खोदते थे, दे यूज टू राइट कि हाँ हमने ये सीखा, हमारी ये लैंग्वेज है, आज भी वही चलता है, रिया लव्स टीना, टीना लव्स रिया, यही सब चलता रहता है ना, वो सब नहीं करते थे, वो होशियार थे। देखो वापस से बता रही हूँ, इंटेलिजेंट लिखा है मैंने यहाँ पे, हाँ इंटेलिजेंट लिखा है, वो होशियार थे, वो अच्छी चीजें लिखते थे, यस बच्चों बिल्कुल। तो यहाँ पे वो हमें बताते थे कि क्या कल्चर था उस टाइम पे, क्या क्या उन्होंने खोज की, पिरामिड ऑफ गीजा बना दिया है ना, पिरामिड ऑफ गीजा बना दिया, केव पेंटिंग्स करते थे, केव पेंटिंग्स, यस बच्चों इतने एडवांस लोग, समझ रहे हो, पिरामिड ऑफ गीजा बना दिया। आज मैं तुमसे कहूँ ना मिट्टी का एक छोटा सा किला बना दो, तुम कहोगे मैम हमसे ना हो पाएगा, पहले गोवा लेके चलो, ठीक है। तो यही तो फर्क है बच्चों, उन्होंने वहां धूप में भी पसीनों में भी पिरामिड ऑफ गीजा बना दिया, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स। आप गए, हैव यू बीन टू इजिप्ट? हाँ, अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे कितना ज्यादा हॉट वेदर है, यू नो इट्स ऑलवेज हॉट, अगर पत्थर को हाथ लगा तो बेटे इतना गर्म, बिल्कुल ऐसा लगे जल रहे हैं हाथ, इतना गर्म होता है वहां पे, सिर्फ सूती कपड़े पहन के जाने होते हैं, वो भी व्हाइट कलर के, सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव सम एयर टू ब्रीथ। इतना धूल उड़ रहा होता है कि हवा में सिर्फ धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल धूल रहता है। तो बेटा अगर आप वहां पे जाओगे ना, देन यू विल रियलाइज कि आप एक बार पिरामिड के अंदर जाओगे, यू विल फाइंड कि वहां पे एक्चुअली में इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हो रही है, जहां पे वो बड़े बड़े मटके टाइप्स भी पहने हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्लियोपेट्रा है ना, टूटांखामुन, ये सारी हिस्ट्री है बच्चों इजिप्ट की, ठीक है, फारोस कहते हैं इनको। चलो मैं वापस आ जाती हूँ, तुम्हें पता लग गया मैंने यहाँ पे हिस्ट्री इतिहास शुरू कर दिया, दो आई रियली लव इट बच्चों, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, क्लियोपेट्रा टूटांखामुन सब में इनकी पूरी पूरी डिटेल्स पढ़ चुकी हूँ, रियली लव इट। तो आप देखोगे बच्चों तो एक्चुअली दे यूज ब्रेन, यस, और ऐसे हमारे कल्चर में भी, अगर आप हमारे कल्चर में कुछ टेम्पल्स देखोगे, सूर्य टेम्पल ये सब, दे आर मेड इन सच अ वे कि वो एक्चुअली मैं आपको टाइम बता सकते एग्जैक्ट इस टाइम पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर बने हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे यूज देयर ब्रेन टू एक्चुअली डेवलप द सोसाइटी, ठीक है, दैट इज हाउ वी आर डेवलपिंग एज अ सोसाइटी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं होमो सेपियंस पे, लेट्स कम टू होमो सेपियंस। क्या कहते हो बच्चों, एक सेशन बना ले क्या क्लियोपेट्रा पे, थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ा दे क्या तुम्हें, जब भी तुम्हारा मन ना करे कि कुछ और देखना, अल हबीबी कर रहे नालायक जब भी तुम्हारा मन करेगी, ठीक है, पढ़ाई के अलावा भी हमें कुछ हिस्ट्री देखनी चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसे सेशन में बना देने चाहिए बच्चों के लिए, व्हेन आई एक्चुअली कम अप एंड टेल यू व्हाट एग्जैक्टली ना हाउ इंटरेस्टिंग इज हिस्ट्री, यस बनाएंगे बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, एक बार तुम्हारा नीट क्लियर करा दो, उसके बाद देखो वीडियोस आएंगे, फिर तुम ना मैम को याद करोगे। आ जाओ होमो सेपियंस पे आते हैं, अभी अपनी बात करें तो वापस से 1450 सीसी पे चले गए हम, तो क्रेनियल कैपेसिटी कम हो गई, क्रेनियल कैपेसिटी कम क्यों हुई, बहुत बच्चों का ये सवाल रहता है। बेटे देखो, अगर हेड का साइज बढ़ रहा है, इफ यू सी आपके स्कल का साइज बढ़ रहा है, तो मदर को पार्चुरेशन में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, यस, सो इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ मदर, ठीक है। तो इसलिए अब नेचर के पास दो ऑप्शन थे, या तो लाइफ चूज कर लो या फिर इंटेलिजेंस चूज कर लो। तो नेचर ने कहा चलो इंटेलिजेंस तो थोड़ी कम भी चल जाएगी नालायकों की, बट जिंदगी तो होनी चाहिए ना जीने के लिए, है ना बच्चों, जिंदगी तो होनी चाहिए जीने के लिए, कम होशियार रहेंगे तो अच्छा ही है, नालायक और काम करेंगे धरती पे वरना। तो इसलिए बेटा नेचर ने चूज किया, नेचर ने यहाँ पे चूज किया लाइफ को ओवर द इंटेलिजेंस। तो इसलिए क्रेनियल कैपेसिटी तो कम हुई, बट लाइफ तो आपको पता है कितना फल फूल रहा है हमारा समाज, छुपा तो नहीं है तुमसे कितना फल फूल रहा है हमारा समाज, बिल्कुल भर भर के। तो ये है हमारे होमो सेपियंस विद 1450 क्रेनियल कैपेसिटी, जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की, लाइक आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, ते वो एज, ते ऐसा एज, ते अभी एज, तो कोरोना एज, तो क्वारंटीन एज, तो ये सब 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 आते गए होमो सेपियंस, सेपियंस यानी मॉडर्न मैन के पास, ठीक है। बिल्कुल बच्चों, समझ में आया नहीं आया, टेल मी इन द चैट बॉक्स,
समझ में आया नहीं आया? यस, मजे मजे में समझ में आ गया पूरा टॉपिक? यस, ऐसे इसको समझो आराम से बेटा। सीसी सेंटीमीटर क्यूब, जिसे नहीं पता व्हाट इज सीसी सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर हम यहाँ पे फ्लो चार्ट देखें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस, इसके बीच में भी है नियांडरथल्स एंड क्रोमैग्नॉन। बिल्कुल बच्चों आ गया ना समझ में, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आ जाओ बेटा ये सारे इसके फीचर्स है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज योर अल्टीमेट फ्लो चार्ट एंड क्विक नोट्स। जल्दी से लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स यहां पे मेंशन है, एक एक पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी इज मेंशन हियर, ईच एंड एवरी पॉइंट इज मेंशन हियर। डू मेक श्योर यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, ठीक है? यस, चलो आज क्विज कर ले। आज का बिल्कुल सेशन धमाधम फटाफट था बच्चों, ठीक है? 9:15 पे आज नाम का एक और सेशन है, मेक श्योर यू आर कमिंग एट 9:15, मेक श्योर। बहुत ही अच्छी चीजें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, विच कैन एक्चुअली हेल्प यू बूस्ट योर स्कोर इन नीट एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस कल होगा बच्चों, कल होगा, बिल्कुल कल होगा, ठीक है? आ जाओ पहला सवाल। द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन इज पैन ट्रोग्लोडाइटिस, होमो नियांडरथलेंसिस, लेमुरोइडिया। अच्छा डोरेमोन, इसको पता नहीं क्या है, डोरेमोन पढ़ लेते हैं। यस बच्चों, व्हाट इज द आंसर? बेटा नूडल्स नहीं खाते। यस बच्चों, थैंक यू बेटा वंशिका, दैट इज रियली गुड ऑफ यू। बेटा आप आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक भी कर देना, ठीक है? यस बताइए बच्चों, एवरीबडी टेल मी, डोरेमोन मान लो इसको, तो पता नहीं क्या है, यस कुछ तो है। बेटा आंसर है पैन ट्रोग्लोडाइटिस, ये जूही मैम एक्सप्लेन करेगी, मैम को भी नहीं पता इसके बारे में। जूही मैम से एक दिन मुलाकात होगी, उस दिन तुम आराम से पूछना कि मैम ऐसे सवाल कौन से आते हैं नीट में, जरा बता दो मैं। अगर नीट में ये सवाल आ जाए तो हम धरने में बैठ जाएंगे बच्चों उसी दिन। नेक्स्ट पे आ जाओ। यस, ये पता कौन है? ये हमारी एंटी स्पैमर गैंग है, एंटी स्पैमर गैंग। हमारे चैट बॉक्स में कोई भी स्पैमर आता है ना तो हमारे बच्चे ऐसे रेडी हो जाते हैं, एंटी स्पैमर गैंग बिल्कुल ऑल सेट। व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस सजेस्टेड दैट मैन इज मोर क्लोजली रिलेटेड विद चिंपांजी देन विद अदर होमिनिड एप्स? बेटा बताइए आपके सबसे प्यारे रिश्तेदार चिंपांजी क्यों है, यही सवाल है। चलिए बताइए आपके सबसे प्यारे रिश्तेदार चिंपांजी क्यों है, यही है सवाल, बताइए चैट बॉक्स में, व्हाट इज आंसर? द आंसर इज एविडेंस फ्रॉम डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर 6 एंड जो उसका 11 है वो बहुत ज्यादा होमोलोगी शेयर करता है। नहीं नहीं, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए बताइए बच्चों। थैंक यू अमिता, थैंक यू अमिता, थैंक यू सो मच। बेटा एवोल्यूशन आज खत्म हो गया, एवोल्यूशन इज ओवर टुडे, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बॉटनी फोटोसिंथेसिस एंड इन एवरेज टू टॉपर सीरीज द नेक्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आप ये मत सोचना कि नीट वाले बच्चे की हमने संकल्प और एवरेज टू टॉपर बंद कर दिया, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, द सीरीज विल गो लाइक दिस ओनली, ठीक है? इट्स जस्ट वी हैव टेकन 16 डेज मॉर्निंग सेशन ऑफ सीबीएसई प्री बोर्ड मैराथन, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। द आंसर इज क्रोमैग्नॉन मैन फॉसिल्स हैव बीन फाउंड इन इथियोपिया, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों, बेचो मैं डर गई यार, इतनी बड़ी जिफ लगा दी मैंने, मैं डर गई कि साथ में कौन आके खड़ा हो गया, इतनी बड़ी जिफ थी, मैं सच में डर गई। बेटा द फॉलोइंग चेंजेस फॉर मैन इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इज प्रोबेबली यूजलेस। चलिए बेटा बताइए बच्चों कौन सी चीज बेसिकली यूजलेस है मैन के एवोल्यूशन में। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, अलग ही डरा दिया उसने मुझे। डेवलपमेंट ऑफ बींग इरेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ बींग क्रेनियल कैपेसिटी, लॉस ऑफ टेल, डेवलपमेंट ऑफ अपोजेबल थंब। अपोजेबल थंब ये है बच्चों, ऐसे दिखा के आने तो ना तुम ठेंगा। यस यस, दिस इज अपोजेबल थंब। अगर ये थंब ऐसे ही होता तो आपको अभी कोई चीज होल्ड नहीं कर पाते, इट्स बिकॉज ऑफ द अपोजेबल थंब दैट यू आर एबल टू होल्ड थिंग्स। यस, सो दिस इज एन एडवांटेज फॉर यू, ये एडवांटेज है बेटा। लॉस ऑफ टेल, एक बात बताओ, तुमने पेड़ छोड़ के धरती पे चलना शुरू कर दिया तो अब पूंछ का लेकर क्या करोगे?
दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते मेरे बच्चों। अभी धरती पे चल रहे हो, अभी धरती पे चल रहे हो, अब पूंछ कर क्या करोगे? छोड़ तो दिए तुमने वो गलियां और वो पेड़, या अभी भी उन गलियों और पेड़ों पे उछलते रहोगे? यस बेटा, आप थोड़ी इसका थोड़ी काम है, अब इसका कोई काम नहीं है। अपोजिबल थंब इज वेरी यूजफुल, क्योंकि आप इसी से होल्ड कर पाते हो, अपोजिबल थंब से। अब इरेक्ट पोस्चर सीधे चलेंगे, मेरे सीना तान के चलेंगे, अनअकैडमी नीट टॉपर के बच्चे, है ना? यस। क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी तो ब्रेन साइज बढ़ेगा, बिल्कुल बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट। कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन एंड चिंपैंजी इज बेस्ट शोन बाय बाइनोकुलर विजन, क्रोमोसोम नंबर, डेंटल फॉर्मुला, क्रेनियल कैपेसिटी। जो वो होती है ना मोहल्ले की आंटियां जो सीसीटीवी बन के घूमती हैं, पता ही होगा तुम्हें, मोहल्ले की आंटियां सीसीटीवी बन के घूमती हैं। आज वहां से आई थी तैयार होके, 3 बजे आई थी दिन में, बोल के तो कॉलेज का गई थी। हाँ शर्मा जी की बेटी भी घूम रही थी। ओ हाँ बेटा, वो उसी उसी विजन को बायनोकुलर विजन कहते हैं। जो आंटियां जो सीसीटीवी बन के घूमती है ना बेटा, उन्हीं को ही बायनोकुलर विजन कहते हैं। नहीं मैं अपने पड़ोसियों का नाम नहीं लूंगी बेटा, उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी है। उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी बेटा, मैं नहीं लूंगी अब किसी का नाम। तो बाइनोकुलर विजन क्या है बच्चों? बाइनोकुलर विजन इज बेसिकली जब आप दोनों आंखों से सेम चीज देख रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। मोनोकुलर विजन इज जैसे फ्रॉग के केस में होता है, उसकी एक आंख यहाँ होती है, एक आंख यहाँ होती है, तो एक आंख से वो इस जगह का देख रहा है, एक आंख का वो इस जगह का देख रहा है, दिस इज कॉल्ड मोनोकुलर विजन, ठीक है? जब दोनों आंखें सेम चीज देख रही है तो दिस इज कॉल्ड बाइनोकुलर विजन। तो क्रोमोसोम नंबर, डेंटल फॉर्मूला, क्रेनियल कैपेसिटी, तो आंसर क्या है? क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है? ओके हाँ तो सही है। आ जाओ नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट हो गया, सेशन बहुत अच्छा था आज का, कैसा लगा तुम्हें? इट वाज वेरी फन सेशन आफ्टर सो मेनी डेज, ऐसा लग रहा था जी स्क्वायर इज मिसिंग हर चार्म। तो आफ्टर लाइक सो मेनी डेज वी हैड फन इन आवर क्लास। ये टॉपिक बहुत छोटा था तो मैंने सोचा थोड़ा फनी बना देती हूँ। बट बच्चों कल से वापस से बैक टू स्टडीज, ठीक है? आज हम 7:30 बजे स्पेशल क्लास में तो मिलेंगे, 7:30 बजे हम स्पेशल क्लास में मिलेंगे, प्लस 9:15 पे आज दमदार मोटिवेशन विद जी स्क्वायर, ठीक है? आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेरी नाइस पॉइंट्स टुडे, एंड मेक श्योर आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें टू गेट द नोटिफिकेशन, ठीक है बच्चों? मजा आ गया? तो कीप स्प्रेडिंग स्माइल, कीप लविंग दिस चैनल, कीप लविंग योर जी स्क्वायर। चलो बाय बाय।